से घिरी थी। मुरली वाले से विनती करी थी, हरिया कर के चीर बढ़ाए, हरी दौड़ चले आए, हरी दौड़ चले आए। महाराज उन कौरवों के बीच में घिर करके द्रौपदी ने जब दोनों हाथ उठा करके गोविंद से प्रार्थना की, महाराज गोविंद खेल को छोड़ करके और दरवाजे से निकले, महाराज भागे। महाराज सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कन्हैया तो पीछे पीछे जा रहे थे, कन्हैया का जो दुपट्टा था वो आगे आगे जा रहा था, चीर पहले जा रहा था, कन्हैया उसके पीछे जा रहे थे। महाराज भगवान से कृपा हमें तब प्राप्त होती है जब गुरु की कृपा प्राप्त होती है। गुरु कृपा ही केवलम। महाराज कृष्ण को छोड़ करके उनके अंग का वस्त्र जो है, उनके महाराज कपोलों पर लटकती हुई जो वाली है, जो उनका श्रृंगार है, वो सब कुछ बलराम जी, वो सब कुछ बलराम है। गुरु आगे आगे जा रहा है, भगवान पीछे पीछे जा रहा है, गुरु आगे आगे जा रहा है। गुरु की कृपा पहले होती, भगवान की कृपा बाद में होती। गुरु कृपा के अधीन भगवत कृपा होती है, गुरु कृपा के अधीन होती है। अगर गुरु कृपा कर दे, महाराज नारद को आप देखो, नारद जिसकी जिसके ऊपर कृपा किए, जिससे मुलाकात किए, उसको भगवत प्राप्ति करवा दी, उसको भगवत प्राप्ति हुई, भगवान से वो दूर नहीं रहा। इसलिए गुरु कृपा ही केवलम। गुरु अगर कृपा कर दे, भगवान की कृपा जानना के दूर नहीं है, गुरु की कृपा। इसलिए आज चीर आगे आगे जा रहा है महाराज, भगवान पीछे पीछे जा रहे हैं। और जाकर के महाराज चीर का महाराज ढेर लगा दिया। महाराज दुशासन कितना चीर खींचेगा, कितना चीर खींचेगा। महाराज आज कन्हैया ने साड़ी की फैक्ट्री से कनेक्शन कर दिया, महाराज साड़ी बन रही है, तुम खींचो कितना खींचोगे, महाराज आप कितना लपेटोगे इस दुनिया को, कितना लपेटोगे आप इस दुनिया को, आप कुछ नहीं कर पाओगे। जिसके पीछे साक्षात गोविंद खड़े हो, उसका बाल बाका कौन कर सकता है महाराज।